जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद निर्दलीय सांसद जमानत पर बाहर आ गए। दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे इंजीनियर रशीद कल तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। रशीद सुबह 10 बजे बारामूला में रशीद की रैली है आज और टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में बंद थे रशीद। बाहर आते ही रशीद ने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला। बड़ी खबर, दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में थे, कल तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। आज सुबह 10 बजे रैली इनकी बारामूला में और बाहर आते ही बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला। बीजेपी का नया कश्मीर तो पहले हार चुका है। आई विल फाइट मोदी जी पॉलिसी टिल माय लास्ट ब्रेथ बिकॉज ही हैज ऑलरेडी लेट डाउन पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसका नया कश्मीर कहीं पर कुछ भी नहीं है, वो आपको पता चला होगा इलेक्शन में भी, उसके बाद भी। और जो मेरा वोट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता होगा कश्मीर में पहली बार जो मोदी जी कह रहे हैं इतने परसेंटेज वोट बढ़े, दैट वोट वाज बिकॉज इट वाज अ रिजनमेंट अगेंस्ट मोदीज डिसीजन ऑफ टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 and 35A। जो वोट लोगों ने डाला पार्लियामेंट इलेक्शन में, ये मोदी जी के प्यार में नहीं डाला, ये मोदी जी को बताने के लिए डाला कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीर क्या चाहता है। वो POK की बात करते हैं, वो जब हम यही बात कहते हैं फिर लोगों से पूछा जाए आर पार कि वो लोग क्या चाहते हैं, हाउ टू रिजॉल्व कश्मीर इशू, एंड इफ सेइंग दैट इज अ क्राइम आई एम प्राउड टू डू दैट क्राइम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मेरा किसी से कुछ भी नहीं, सॉरी मेरा फार्मूला देखो इलेक्शन का अकेले ही चला था, जान बे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। इस बीच एक और बड़ी अपडेट, श्रीनगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बीजेपी की शिकायत पर जांच शुरू हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत की गई थी बीजेपी की ओर से, रशीद का स्वागत करने की बात कही गई थी बीजेपी की तरफ से, इस अपील का जिक्र किया गया और बीजेपी ने इसे अफवाह करार दिया। और अब बीजेपी की शिकायत पर श्रीनगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक पोस्ट डाली गई, उसमें बीजेपी का कहना है कि अफवाह। ABP News आपको रखे आगे।